कभी कभी इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है। गुनाहगारों की आंखों में झूठे गुरूर होते हैं, यहां शर्मिंदा तो सिर्फ बेकसूर होते हैं। मतलब से मिलने वाले, मिलने का मतलब क्या जाने, कभी मिल सको तो बेवजह मिलना मेरे दोस्त, वजह से मिलने वाले तो न जाने हर रोज कितने मिलते हैं। जमाने की खरी खोटी और दो वक्त की रोटी इंसान को वक्त से पहले ही समझदार बना देती है। कुदरत ने तो आनंद ही आनंद दिया था, दुख तो हम इंसानों की खोज है। बलात्कार को पाशविक कहा जाता है, पर यह पशुओं की तौहीन है। पशु बलात्कार नहीं करते, कोई भी पशु नहीं करता, मगर आदमी करता है। शब्द महके तो लगाव करते हैं और बहके तो घाव करते हैं। अपने अतीत के कैदी बनकर मत रहो, वो सिर्फ एक सबक था, उम्र भर की सजा नहीं। तुम अगर खुश हो तो शोर मत मचाओ, क्योंकि उदासियां कच्ची नींद सोती हैं। नीचा वही दिखा सकता है जिसमें अहंकार होता है, क्योंकि जिसमें संस्कार होता है वो सदा दूसरों का सम्मान करता है। कल मेरा था, आज तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। जरा सोच कर बताना, वक्त कब किसका हुआ। कुछ सपने अधूरे रह भी जाएं तो रहने दो, उन्हें पूरा करने के लिए कभी गलत मार्ग का चुनाव मत करो। यदि आप सही हैं तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं, और यदि आप गलत हैं तो गुस्सा करने का हक नहीं। याद रखना, गुस्सा बुद्धि को घर से बाहर निकाल देता है, और तो और दरवाजे पर चटकनी भी लगा देता है। पाप निसंदेह बुरा है, लेकिन उससे भी बुरा है पुण्य का अहंकार। कई बार किसी को जाने देना उसे रोके रखने से बेहतर होता है। कोई जवाब न देना भी एक जवाब होता है, और ये जवाब सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। कहकर सोचने और सोचकर कहने में सिर्फ शब्दों का हेर फेर है, पर इसी से जिंदगी बदल जाती है। मुकाबला ऐसा करो कि दूसरों की जीत से ज्यादा तुम्हारी हार के चर्चे हों। जिसमें नुकसान सहने की ताकत होती है वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वो कारोबार हो या फिर रिश्ते हो। आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, आपके बुरे वक्त का होता है। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। अगर नियत का असर चेहरे पर नजर आने लगता तो समाज का हर इंसान नकाब पहनने पर मजबूर हो जाता। हकीकत को तलाशना पड़ता है, अफवाहें घर बैठे ही आप तक पहुंच जाती हैं। जीवन में कुछ अध्याय ऐसे भी होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद करना ही होता है। इसीलिए जो जाना चाहता है उसे जाने दीजिए, जबरदस्ती पकड़कर उसे अपने जीवन में रखने का क्या लाभ। मन उदास हो तो एक काम किया कर, भीड़ से हटकर खुद को थोड़ा वक्त दिया कर। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।